हम में से अधिकतर के पास पीडीएफ फाइल आती होगी जिसे हमें एडिट करने के लिए वर्ड में कन्वर्ट करना होता है। तो ऐसे में जनरली हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को ढूंढते हैं और वहाँ से अपनी फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट उनमें से मैक्सिमम पेड सॉफ्टवेयर होती है, या आप अगर उन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको पेड करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ आप किस तरह से पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप में पीडीएफ फाइल है। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये एक्रोबेट रीडर में ओपन होती है। अगर हमें इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो हमें पहले से वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप एमएस ऑफिस 2019 या ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तो उसमें इसे करना काफी आसान है। आपको जस्ट वर्ड को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। अब हम फाइल पे जाएंगे, यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे और ब्राउज में जाना है। जिस भी पीडीएफ फाइल को हम एडिट करना चाहते हैं वो पीडीएफ फाइल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ओपन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है, वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर पीडीएफ टू एन एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें कुछ समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर हमारी जो डॉक्यूमेंट है वह वर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें कुछ भी एडिट करना है तो हम आराम से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आप आसानी से किसी भी पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आपके पास एमएस ऑफिस 2019 या ऑफिस 365 नहीं है तब भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं बिना कोई ऐप यूज किए। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हमें गूगल ड्राइव को ओपन करना है। अब हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे। जो भी फाइल हमें अपलोड करनी है हम यहाँ से फाइल को अपलोड कर लेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइल अपलोड हो रही है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। फाइल अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर हमारी फाइल आ गई है। अब इस फाइल पर हमें राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाकर हमें इसे गूगल डॉक्स में ओपन करना है। यहाँ पर गूगल डॉक्स में हमारी फाइल एडिटेबल फाइल में ओपन हो गई है। अगर आप चाहो तो गूगल डॉक्स में भी एडिट कर सकते हो, बट अगर आपको इसे एमएस वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको फाइल में जाना होगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड में सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। यहाँ पर नीचे में हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है एमएस वर्ड में, एरो पे क्लिक करेंगे एंड देन इसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम एडिटिंग को इनेबल कर लेंगे। अब आप आराम से यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो। सो गाइस, ये तरीका काफी आसान है और बिना किसी झंझट के आप आसानी से कोई भी पीडीएफ फाइल को एमएस वर्ड में कन्वर्ट करके एडिटिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है क्योंकि वह वन टाइम ही फ्री रहता है, उसके बाद आपको पेड करना पड़ता है। तो अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो आप आसानी से गूगल ड्राइव के थ्रू अपने फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।